उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों और करीबियों पर प्रशासन का एक्शन हुआ तेज। गाजीपुर में इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल पर चला बुलडोजर, करीबी का घर भी ढहाया। विमान में यात्री से अभद्रता के आरोप में हिरासत में लिया गया आरोपी। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में अभद्रता का आरोप, आईजीआई एयरपोर्ट पर हुई बड़ी कार्रवाई। न्यूज 18 इंडिया के पास आया पंजाब की जेल में हुए गैंग वॉर का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो। गैंग वॉर के बाद जेल में वीडियो बनाता देखा मूसेवाला केस का आरोपी सचिन भिवानी। दो दिन के रिमांड में सीबीआई कराएगी सिसोदिया और केस से जुड़े हुए लोगों का आमना सामना। कई अधिकारियों को साथ बिठाकर हो चुकी है पूछताछ। 6 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार बनाने की कवायद हुई तेज। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने कर्ज लेने के लिए खेला गजब दांव। पहले चीन को लौटाया पुराना कर्ज, बाद में मांग लिया 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज। अगले हफ्ते मिलेगी पहली किश्त। भूकंप से निपटने में भारत की मदद के बावजूद तुर्की ने दिया धोखा। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर दिया पाकिस्तान का साथ। भारत ने दी आंतरिक मामलों में बयान न देने की नसीहत। यूक्रेन के बखमूत में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। बेबस नजर आए यूक्रेन के सैनिक। पिछले 6 महीने में बड़ी कामयाबी के करीब पहुंचे पुतिन। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत। गुजरात जॉइंट्स को 143 रन से हराया। आज डब्ल्यूपीएल में होंगे 2 मुकाबले। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के सामने होगी गुजरात जॉइंट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। कौशाम्बी में माफिया आतिक अहमद के शूटर अब्दुल कवी पर शिकंजा। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को मिले देसी बम। शूटर अब्दुल कवी समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन का एक और बड़ा एक्शन। गाजीपुर में डॉक्टर एमएससी अंसारी इंटर कॉलेज के अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल को प्रशासन ने गिराया। यूपी के गाजीपुर में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी कमलेश सिंह के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बिना नक्शा पास करे बनाया गया था मकान। कमलेश सिंह की कई साल पहले मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकी बशीर अहमद की संपत्ति एनआईए ने कुर्की। हाल ही में पाकिस्तान में मारा गया था आतंकी बशीर अहमद।